सो हे गाइस, आप सभी को फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जिन लोगों को गेम खेलना पसंद है, सो आज का खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों बेसिकली जो लोग गेम खेलना पसंद करते हैं, खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए हमने बनाया, क्योंकि जो लोग गेम खेलते हैं या फिर गेम खेलना पसंद करते हैं उन लोगों को क्या करना होता है, कंप्यूटर से उन लोगों को गेम डाउनलोड करना पड़ता है। सो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में जाके वो गेम डाउनलोड करते हैं, सो उनकी कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है, उनकी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या फिर उनका कंप्यूटर क्रैश होने का चांसेस है। सो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा दो लॉन्चर के बारे में बताएंगे, जिस लॉन्चर से आप गेम डाउनलोड करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कंप्यूटर बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई भी आपका सिस्टम में कम प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों जो लोग गेम खेलते हैं सो उसी लॉन्चर के जरिए ही वो लोग गेम डाउनलोड करते हैं, एंड उसमें और एक खास चीज़ है, आपको फ्री गेम भी मिलेगा, बहुत सारा फ्री गेम आप डाउनलोड करके भी आप खेल सकते हो दोस्तों। सो हम इसी वीडियो में ये दो लॉन्चर के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सो दोस्तों फर्स्ट हम आपको जो दो लॉन्चर के बारे में बताए थे वो है, फर्स्ट एक है एपिक लॉन्चर एंड सेकंड है दोस्तों स्टीम लॉन्चर। दोस्तों अगर ये दो लॉन्चर आपके पास होगा सो आपको कहीं से भी गेम डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, सो इसी से आप मतलब न्यू गेम खेल सकते हो, जो अपकमिंग गेम है उसमें भी आपको मिल जाएगा नोटिस, ठीक है, जो आने वाला गेम है, एंड जो न्यू गेम है दोस्तों उसी के जरिए आप खेल सकते हो। सो दोस्तों हम इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से ये लॉन्चर आपको यूज़ करना है एंड कैसे डाउनलोड करना है, एंड सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। सो है गाइस, अभी आप लोगों को हम दो लॉन्चर के बारे में जो बताए थे, फर्स्ट है स्टीम लॉन्चर एंड सेकंड एपिक लॉन्चर। फर्स्ट हम आप लोगों को स्टीम लॉन्चर के बारे में बताएंगे। स्टीम लॉन्चर अगर आपको डाउनलोड करना है, स्टीम लॉन्चर का सॉफ्टवेयर, इसका जो साइट देखिए वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वेबसाइट को आप क्लिक करके कॉपी पेस्ट करके आप स्टीम लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट इस वेबसाइट में विजिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इंस्टॉल स्टीम, इंस्टॉल स्टीम में आपको सिंपली क्लिक करना होगा दोस्तों। जब आप इंस्टॉल स्टीम क्लिक कर लेंगे यहाँ पे आपको स्टीम का जो सॉफ्टवेयर है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फर्स्ट जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपके सामने इस तरीके से आपका स्टीम जो लॉन्चर है खुल के आएगा। इसको आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कंप्लीट करना होगा, छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद आपको स्टोर में जाना होगा। स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको फ्री गेम आपको मिल जाएगा दोस्तों, कैटेगरी में क्लिक कीजिए एंड फ्री टू प्ले, ओके। फ्री टू प्ले में क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारा फ्री गेम आपको अवेलेबल है, कोई सा भी गेम आपको, जो भी गेम आपको अच्छा लगे उसको आप फ्री टू प्ले में क्लिक कीजिए, एंड आपको यहाँ पे आपका जो गेम का साइज़ सब कुछ दिखा देगा, दिखाने के बाद इस गेम को आप इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड कंप्यूटर में आपका पीसी में आप खेल सकते हो। इसमें आपको क्या होगा, अगर स्टीम लॉन्चर से अगर आप गेम डाउनलोड करके खेलेंगे सो आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक करने का चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है दोस्तों। इस तरीके से आपको स्टीम लॉन्चर यूज़ करके देन आपको जो गेम इंस्टॉल करके डाउनलोड करके आपको खेलना होगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, एंड अपकमिंग गेम भी आपको दिखाई देगा, जो अपकमिंग गेम आ रहा है या फिर जो न्यू गेम लॉन्च हो रहा है सो आपको यहीं से आपको मिल जाएगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा। आप लोगों को स्टीम लॉन्चर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिए हैं। देन अभी हम आप लोगों को बताते हैं एपिक लॉन्चर दोस्तों, एपिक लॉन्चर कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो चलिए फिर हम देख लेते हैं एपिक लॉन्चर किस तरीके से आप इंस्टॉल करते हैं। सेकंड जो लॉन्चर है एपिक लॉन्चर, एपिक लॉन्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी एक वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट हम खोल के रखे हैं पहले से, ये जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एंड देन इसका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एपिक लॉन्चर का, वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद छोटा सा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एपिक लॉन्चर खोल के आएगा दोस्तों। फर्स्ट आपको स्टोर में क्लिक करना होगा, देन ब्राउजर, ओके, एंड साइड में देखिए प्राइस में क्लिक करके यहाँ पे फ्री,
ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारा गेम आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारा गेम यहाँ पे देखिए, पबजी बैटल ग्राउंड है और भी बहुत सारा गेम यहीं से आपको खेल सकते हैं, डाउनलोड करके यहीं से आप खेल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो दो लॉन्चर की हम आप लोगों को बारे में बताया दोस्तों, क्योंकि इस लॉन्चर से अगर गेम डाउनलोड करेंगे दोस्तों क्या होगा, फिर आपका कंप्यूटर में वायरस अटैक करने का चांस नहीं है। ओके, सो आप बहुत सारा जो गेम प्लेयर्स है जो गेम खेलते हैं, गेम खेलना पसंद करते हैं, ये जो दो और लॉन्चर यूज़ करके ही वो लोग गेम खेलते हैं। बहुत सारे और भी लॉन्चर है लेकिन बेस्ट लॉन्चर मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि हम भी इसी लॉन्चर के यूज़ करके हम भी गेम खेलते हैं दोस्तों। ओके, आप भी इसको यूज़ इस्तेमाल करके आप भी कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, यही था आज का एक वीडियो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। हमने सारा चीज़ें हमने बता दी हैं, एपिक लॉन्चर एंड स्टीम लॉन्चर दोनों लॉन्चर को कैसे यूज़ करते हैं, सारा तरीका आप लोगों को बता दिए हैं, किस तरीके से फ्री गेम आपको डाउनलोड करना है, किस तरीके से खेलना है, सारा चीज़ें हमने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिए हैं वीडियो में। सो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जिन यूजर्स को ज़्यादा गेम खेलना पसंद है, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ताकि आप लोग पहले से बहुत थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाकर गेम डाउनलोड करते हैं। सो हम आपको ब्रांड न्यू आपको लॉन्चर के बारे में बताएं, इसी तरीके इसी लॉन्चर को यूज़ करके आप गेम खेल सकते हो, गेम डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप लोगों को बहुत हेल्प मिले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ऐसे नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।